20 दिन में 3 असलाह फैक्ट्रियों का भंडाफोड़। कासगंज जिले में बड़े पैमाने पर चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मौके से 10 तमंचा और भारी मात्रा में असलाह बनाने वाले उपकरणों को बरामद किया है। 20 दिन में 3 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में असलाह बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। कासगंज कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर असलाह तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस असलाह फैक्ट्रियों को समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसका नतीजा है कि 20 दिन में 3 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई कर पहली बार 30, दूसरी बार 24 और तीसरी बार 10 तमंचा और भारी मात्रा में असलाह तैयार करने वाले औजार बरामद किए हैं। आपको बता दें कि यह सफलता आज सहावर थाना अध्यक्ष रविंद्र बहादुर सिंह ने बहादुरी को परिचय देते हुए क्षेत्र के खालसा फार्म के निकट सुनसान जंगल में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारकर हासिल की। यहां से पुलिस ने 3 अभियुक्त मुलायम सिंह सत्येंद्र निवासी रिजौरी थाना पटियाली, सोनेलाल निवासी नाजिर नगला थाना कंपिल जनपद फरूखाबाद करने वाले हैं। एसपी ने बताया कि लगातार अवैध असलाह फैक्ट्रियों को समाप्त कर बनाने वालों को जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्त में आए अभियुक्त 2000 से लेकर 2500 रुपए में बेचा करते थे तमंचे। जहां जहां असलाहों को बेचा गया है उनके बारे में जानकारी की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये देखिए, ये विगत 20 दिनों से मेरा अभियान चल रहा है अवैध असलाह के ऊपर, जिसमें ये तीसरी खेप है। ये तीसरी खेप बरामद हुई है, 10 असलाह इसमें बरामद हुए हैं। पहली बार 31 थे, दोबारा 24 थे, तीसरी बार 10 बरामद हुए हैं। वाकया इस तरह से है, सहवर थाना अंतर्गत ये खालसा फार्म तिराहा है, उस तिराहे के बगल में एक श्मशान की भूमि है, श्मशान की सुनसान भूमि है। वहाँ पे ये सत्येंद्र, सोनेलाल और मुलायम सिंह, ये तीनों लोग, एक इनका साथी भागा हुआ है, ये चारों लोग ये फैक्ट्री चला रहे थे। तो रात्रि सूचना थी मुखबिर की, तो रात्रि भ्रमण के दौरान, आज का ये मुहर्रम का टाइम चल रहा है तो पुलिस घूम रही है, उसी समय ये सूचना मिली कि वहाँ पे ये कारोबार हो रहा है, दबिश डाली गई, ये सारी बरामदगी किया गया। और मैं फिर पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये अवैध असलहे जो हैं, इनका जो निर्माण हो रहा था इसी समय बरामद कर लेना, ये बड़ी उपलब्धि है। ये बनते मार्केट में जाते, किसी की जान पे भारी पड़ते तो हम रिकवर करते, तो शायद उतना सफलता हमें न मानी जाती। सर अगर बात करें तो इन असलाहों पे कहाँ कहाँ बिक्री होती थी और कितने रुपए में? ये पूरा 2500 रुपए का रेट है इनका। अब पिछली बार भी इंसेंटोकेट नहीं हो पाया प्रॉपरली, रात में पकड़े गए हैं। ये कौन कौन इनका ले जाता है, कहाँ ले जाते हैं, कितना अभी बेच चुके हैं, कितने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन अभी होगी इसमें।